अयोध्या में सूर्य उदय। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं ऑनलाइन टीवी। आज एक बार फिर से अयोध्या अपने आप पर इचला रही है। अमूमन शांत रहने वाली सरयू इचरा रही है। पूरे देश में त्योहार जैसी तासीर दिख रही है। दरअसल पीएम मोदी ने आज संसद में एक ऐतिहासिक ऐलान करते हुए राम मंदिर का रास्ता पूरी तरह से साफ कर दिया। जय श्री राम, जहाँ हुए थे जन्म वहीं मंदिर बनाएंगे। खत्म हुआ सदियों का इंतजार, अब की बार मंदिर निर्माण। ये ट्रस्ट अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मस्थली पर भव्य और दिव्य श्री राम मंदिर के निर्माण और उससे संबंधित विषयों पर निर्णय लेने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगा। लोकतंत्र के मंदिर में पीएम मोदी ने राम मंदिर के लिए जैसे ही यह ऐतिहासिक ऐलान किया कि भव्य और दिव्य राम मंदिर के लिए ट्रस्ट का काम पूरा हो गया है, तो संसद भवन का गलियारा तालियों की थाप से गूंज उठा और उसकी गूंज देश भर में सुनाई दे रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार एक स्वायत्त ट्रस्ट श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, ट्रस्ट का नाम होगा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का गठन करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। ये ट्रस्ट अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मस्थली पर भव्य और दिव्य श्री राम मंदिर के निर्माण और उससे संबंधित विषयों पर निर्णय लेने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगा। अयोध्या में गूंजा जय श्री राम, साधु संतों में खुशी की लहर। सदियों के इंतजार के बाद अयोध्या में तो ये नया सूर्योदय है। सरयू की शांत लहरें भी खुशी की खुमारी पर सवार हो गई। उमंग के इस उत्सव में साधु संत जय श्री राम का जय घोष करने लगे। ऐतिहासिक पल है। वैसे तो ऐतिहासिक 9 नवंबर को हो गया था 2019 को, लेकिन 2010 में आज का दिन भी ऐतिहासिक है, जब इस देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट की घोषणा की गई है। और आज ट्रस्ट की घोषणा हो गया, निश्चित रूप से अब भगवान श्री राम लला जो अब तक टेंट में थे, अब उसके मार्ग प्रशस्त हो गए। राम जन्मभूमि के प्रति जो भी घोषणा, जो भी कार्य कर रहे हैं वो उत्तम कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, अच्छा है। क्या लगता है आप कब से मंदिर का निर्माण भी करेंगे? मंदिर का निर्माण कार्य बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा, अब समय आ चुका है, सारी तैयारी पूरी हो चुकी है, अब उसमें कोई विलम्ब नहीं है। राम मंदिर ट्रस्ट में सामाजिक सौहार्द। राम मंदिर के इस ट्रस्ट में सरकार ने सामाजिक सौहार्द की कड़ियों को भी जोड़ रखा है। गृह मंत्री अमित शाह के मुताबिक इस ट्रस्ट में 15 ट्रस्टी होंगे और एक ट्रस्टी दलित समाज से रहेगा। 1989 में बीएचपी के शिलान्यास कार्यक्रम की पहली ईंट भी कामेश्वर चौपाल नाम के दलित ने ही रखी थी। पीएम मोदी ने भी सभी से अपील करते हुए कहा कि आओ मिलकर राम का मंदिर बनाएं, लेकिन ओछी राजनीति ने राम मंदिर ट्रस्ट में भी अपना रास्ता खोज लिया। कांग्रेस और ओएसी को ये सब रास नहीं आया, दोनों ट्रस्ट की टाइमिंग पर तमाशा करने लगे। अब ये राजनीति जो ना कराए वही अच्छा। आप
आपने पार्लियामेंट के अंदर कहा, यकीनन पार्लियामेंट सॉवरेन है, मगर जब अब दिल्ली का चुनाव हो रहा है, आप 8 तारीख के बाद कर सकते थे, पार्लियामेंट तो 11 तक है ना, मगर अभी करना था। तो लगता है बीजेपी बड़ी परेशान है दिल्ली इलेक्शन में। बहरहाल देश के लिए ये एक ऐतिहासिक दिन है, तो अयोध्या के लिए अद्भुत। राम मंदिर ट्रस्ट के ऐलान के बाद हर कोई कह रहा है कि अब की बार मंदिर निर्माण। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। अयोध्या में नया सूर्योदय। प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में राम जन्मभूमि के निर्माण के लिए, राम मंदिर के निर्माण के लिए ट्रस्ट की घोषणा की, सबने इसका जोरदार स्वागत किया। किस तरीके से दिखा रहे हैं आपको। जय श्री राम, जहां हुए थे जन्म वहीं मंदिर बनाएंगे। बहुत सुंदर तरीके से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पूरे देश की जनता ने स्वीकार किया। आज एक महत्वपूर्ण बात प्रधानमंत्री जी ने कही कि जो सुझाव केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को दिया कि सुन्नी बोर्ड के लिए भी यथोचित जमीन का प्रबंध किया जाए, जिस पर राज्य सरकार ने शायद अपनी सहमति जता दी है, इससे देश में एक सद्भावना के नए युग का आरंभ होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 67 एकड़ भूमि राम मंदिर के लिए देकर के एक ऐतिहासिक फैसला किया है। इसके लिए मोदी जी और अमित शाह जी को प्रथम तो बहुत बहुत बधाई। देश को पहला प्रधानमंत्री मिला है जो अपने आप को हिंदू कहने में गर्व अनुभव करता है, और संसद में खड़े होकर के जय श्राम का नारा लगा करके उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम श्राम के प्रति अपनी भक्ति प्रकट की है। और राम केवल क्योंकि हिंदुओं के ही पूर्वज नहीं, वो समस्त भारतीयों के पूर्वज हैं, मजहब से परे हैं, इसलिए आज संपूर्ण भारतवासियों को फक्र होना चाहिए। हुकूमत ने अपनी जिम्मेदारी निभाई और हिंदू समाज को उनका हक राम मंदिर अयोध्या में मिल गया। जो शिया मीर बाकी ने स्ट्रक्चर का निर्माण किया था, उसके बदले में जो सुन्नियों को जमीन मिली, वो शियों की गलती है, क्योंकि शियों ने हमेशा सुन्नियों से दबकर अपनी आवाज को उठाया नहीं। जब हमने अपनी बात सुप्रीम कोर्ट में रखी तब 71 साल की देरी हो चुकी थी, जिसकी वजह से आज जो 5 एकड़ जमीन जो शियों की होनी चाहिए थी वो सुन्नियों को मिल रही है। अगर आज शिया वक्फ बोर्ड को ये मिली होती तो शिया वक्फ बोर्ड वहां पर एक दूसरा राम मंदिर का निर्माण करता। ये सब इसलिए क्योंकि अयोध्या में नया सूर्योदय हुआ है। चाहे गिरिराज सिंह हो, उमा भारती हो या फिर रिजवी साहब हो, इस फैसले की तारीफ हो रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, वक्त दिया था कि आपको ट्रस्ट का निर्माण करना होगा और ट्रस्ट ही राम मंदिर को बनाएगा। प्रधानमंत्री मोदी के राम मंदिर निर्माण की घोषणा के बाद उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जय श्री राम के नारे एक बार फिर लगाए, क्योंकि कई बार वो राम मंदिर निर्माण को लेकर बयान देते आए हैं। आज भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण को लेकर के एक बड़ा फैसला, बड़ी घोषणा देश के प्रधानमंत्री जी ने भी की है, कैबिनेट भी निर्णय लिया है और अभी आपको सूचना मिली। तो खुश है केशव प्रसाद मौर्य भी और जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि अयोध्या में नया सूर्योदय हुआ है। ट्रस्ट के ऐलान के बाद अब जल्द ही आसमान छूता राम मंदिर अयोध्या में बनकर तैयार हो जाएगा। लेकिन कैसा होगा ये मंदिर, क्या क्या खासियतें होंगी इस मंदिर में, एक रिपोर्ट के जरिए वो भी जान लीजिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार एक स्वायत्त ट्रस्ट श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, ट्रस्ट का नाम होगा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का गठन करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। ये ट्रस्ट अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मस्थली पर भव्य और दिव्य श्री राम मंदिर के निर्माण और उससे संबंधित विषयों पर
निर्णय लेने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगा। राम के देश में, राम की धरती पर, राम मंदिर के लिए, राम के नाम का ऐलान है ये। भारत के भाल पर राम तिलक लगाने का स्वाभिमान है ये। और सनातन की सीमाओं पर शाश्वत सा शिखर सदा रहे, उसका समाधान है ये। बहुत सुंदर तरीके से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पूरे देश की जनता ने स्वीकार किया। आज एक महत्वपूर्ण बात प्रधानमंत्री जी ने कही कि जो सुझाव केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को दिया कि सुन्नी बोर्ड के लिए भी यथोचित जमीन का प्रबंध किया जाए, जिस पर राज्य सरकार ने शायद अपनी सहमति जता दी है, इससे देश में एक सद्भावना के नए युग का आरंभ होगा। अब जब लोकतंत्र के मंदिर से राम मंदिर ट्रस्ट का रास्ता साफ हो गया है, तो जल्द ही सरयू के तीरे से आसमान छूता भव्य राम मंदिर दिखाई देगा। दशकों से प्रस्तावित मंदिर की कार्यशाला में छज्जे, पिलर और पत्थर तराश रहे स्वयंसेवकों का इंतजार खत्म हो रहा है। वो दिन ज्यादा दूर नहीं जब अयोध्या की परिधि में प्रवेश करते ही मंदिर के गुंबद से लहराती राम पताका दिखाई देगी। इसमें कोई शक नहीं, मंदिर सुंदरता और भव्यता के पैमानों पर पहले स्थान पर होगा। देखिए, बड़ा ही ऐतिहासिक पल है। वैसे तो ऐतिहासिक 9 नवंबर को हो गया था 2019 को, लेकिन 2010 में आज का दिन भी ऐतिहासिक है, जब इस देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट की घोषणा की गई है। और आज ट्रस्ट की घोषणा हो गया, निश्चित रूप से अब भगवान श्री राम लला जो अब तक टेंट में थे, अब उसके मार्ग प्रशस्त हो गए। राम जन्मभूमि के प्रति जो भी घोषणा, जो भी कार्य कर रहे हैं, वो उत्तम कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, अच्छा है। क्या लगता है आप कब से मंदिर का निर्माण भी करेंगे? मंदिर का निर्माण कार्य बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा, अब समय आ चुका है, सारी तैयारी पूरी हो चुकी है, अब उसमें कोई विलम्ब नहीं है। मंदिर का निर्माण कैसे होगा, मंदिर का मुख्य द्वार कैसा होगा, मुख्य मंदिर के आसपास क्या क्या होगा, रामलला और सीता रसोई कैसी होगी, ये ख्याल अभी राम भक्तों के जहन में उठ रहा है। सदियों से मंदिर की राह देख रहे राम भक्तों का ये मंदिर कैसा होगा, हम आपको बताते हैं। प्रस्तावित राम मंदिर का मॉडल पहले ही तैयार किया जा चुका है। श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट इस मॉडल को अयोध्या की धरती पर उतारेगा। मंदिर नागर शैली में बना अष्टकोणीय होगा। मंदिर में भगवान राम की मूर्ति लगेगी। मुख्य मंदिर के आगे पीछे सीता, लक्ष्मण और भरत, भगवान गणेश के मंदिर होंगे। कहा जा रहा है ट्रस्ट मंदिर को अक्षरधाम मंदिर की शैली में बनाएगा। मंदिर परिसर में संत निवास, कर्मचारी आवास और भोजनालय भी बनाए जाएंगे। मंदिर 2 मंजिला होगा। नीचे की मंजिल में भगवान राम की विशाल प्रतिमा लगाई जाएगी। ऊपर की मंजिल में राम दरबार होगा। मंदिर में प्रवेश के लिए 24 द्वार बनाए जाएंगे। मंदिर की लंबाई 268 फीट, चौड़ाई 140 फीट और ऊंचाई 128 फीट होगी। मंदिर को मजबूत बनाने के लिए इसके बिंब में ग्रेनाइट पत्थर लगाए जाएंगे। इसके अलावा मंदिर में 212 स्तंभ होंगे। हर मंजिल में 106 स्तंभ होंगे। पहली मंजिल पर स्तंभों की ऊंचाई 16 फीट होगी। दूसरी मंजिल पर स्तंभों की ऊंचाई 14 फीट होगी। हर स्तंभ पर यक्ष, यक्षिणियों की 16 मूर्तियां बनाई जाएंगी। जल्द ही मंदिर का शिलान्यास होगा। मंदिर की खास बात यह होगी कि इसमें लोहे का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया जाएगा, इसलिए मंदिर में करीब 1.75 लाख टन फुट पत्थर लगाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। देश की राजधानी दिल्ली हो या देश का कोना कोना, हर जगह खुशी की लहर दिखाई दी, और खासकर उत्तर प्रदेश में, अयोध्या में, लखनऊ में। लखनऊ से गगन हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, तो दिल्ली से अमित दुबे हमारे साथ लाइव हैं।
ये दोनों बताएंगे कि किस तरह का माहौल था। सबसे पहले हम दिल्ली चल रहे हैं अमित दुबे के पास। अमित, संसद से प्रधानमंत्री मोदी ने उस इंतजार को खत्म कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट बनना जरूरी है और केंद्र सरकार ट्रस्ट बनाए, और मियाद खत्म होने ही वाली थी उससे पहले ऐलान हो गया ट्रस्ट का। जी बिल्कुल, देखिए लोग इसी बात का इंतजार कर रहे थे कि आखिरकार केंद्र सरकार कब सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दिया है उसे लेके अनाउंसमेंट करेगी, और आज जब सुबह कैबिनेट की बैठक शुरू हुई तो भी तब भी कयास लगाए जा रहे थे कि आज कैबिनेट की बैठक में इस तरह का प्रधानमंत्री की अगुवाई में चूंकि कैबिनेट की बैठक चल रही थी कि इसे लेके कोई डिसीजन लिया जा सकता था, लेकिन चूंकि बीजेपी में जो बैठकें होती है वो काफ़ी कुछ सीक्रेट होता है और यही वजह थी कि जब कैबिनेट में इसका डिसीजन हुआ और उस कैबिनेट में इसकी चर्चा हुई उसके बाद खुद प्रधानमंत्री संसद में सांसदों से रूबरी हुए और जनता के सामने उन्होंने रखा कि किस तरह से उन्होंने राम मंदिर को लेकर जिस ट्रस्ट की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही थी उस ट्रस्ट का गठन हो गया है, श्री राम अयोध्या तीर्थ क्षेत्र के नाम से ट्रस्ट का गठन किया गया है। उसके बाद फिर अमित शाह क्लियर करते हैं कि 15 सदस्यीय ट्रस्ट होगा, हालांकि अभी जो नामों को लेके है वो पूरी तरह से सहमति नहीं बनी है कि कौन से आखिर इसमें नाम होंगे, लेकिन जिस तरह से अमित शाह ने ट्वीट किया कि एक दलित इस ट्रस्ट का सदस्य जरूर होगा ये बात साबित हो चुकी है, और इसके साथ अन्य और 14 सदस्य जो है वो इसे लेके नियुक्त किए जाएंगे। अब से कुछ देर में लगभग 4:30 बजे जो है वीएचपी जो कि कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार इसे लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, क्योंकि वीएचपी लगातार इस बात को कह रही कि नवरात्रि का जो समय होता है खासतौर पर नवरात्रि में रामनवमी जब भगवान श्री राम का जन्म हुआ था उस समय सरकार मंदिर का शिलान्यास करे और मंदिर निर्माण जो है वो नवरात्रि में शुरू होना चाहिए। जी आप बने रहिए अमित हमारे साथ, गगन हमारे सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गगन मैं आपके पास आ रहा हूँ, सवाल बस इतना सा है, हालांकि सवाल तो आज बनता ही नहीं क्योंकि ऐलान ट्रस्ट बनाने का हुआ है और इससे शुरुआत हो जाती है मंदिर के निर्माण की, लेकिन तस्वीर किस तरह की है? लखनऊ में सियासतदान बैठते हैं और कई बार तमाम बड़े नेताओं को लखनऊ से ही ये कहते हुए सुना गया कि मंदिर का निर्माण जल्द होगा, आज किस तरह की तस्वीर है? देखिए बिल्कुल, राम मंदिर की बात हो और लखनऊ उसमें कोई दखल ना हो तो ये बात हो ही नहीं सकती, क्योंकि राम मंदिर के ट्रस्ट के जैसे ही ऐलान हुआ दिल्ली से वैसे ही क्योंकि मुस्लिम पक्ष को 5 एकड़ की ज़मीन देनी थी उसी के चलते सबसे पहले कैबिनेट बैठक में वो 5 एकड़ की ज़मीन अलॉट कर दी गई, उसका फैसला ले लिया गया कि रौनाही फैजाबाद के या अयोध्या के रौनाही इलाके में 5 एकड़ की ज़मीन मस्जिद के लिए दी जाएगी, और उसके बाद जब मंत्रियों ने बाहर निकले हर मंत्री ने जय श्री राम के नारे लगाए, यानी कि वो प्रसन्नता मंत्रियों के भाजपा के मंत्रियों के चेहरे पे दिख रही थी कि जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने दशकों इंतजार किया था, जिसके लिए दशकों राजनीति की सियासत की और उसका परिणाम बिल्कुल मिलने वाला है, क्योंकि जब 3 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था राम मंदिर मामले को लेकर उसके बाद 3 महीने की मियाद दी थी कि आज 3 महीने के भीतर एक ट्रस्ट का ऐलान करें, 9 फरवरी आखिरी डेट थी, इसीलिए मोदी कैबिनेट ने आज का दिन चुना और आज के दिन इतना बड़ा फैसला लेकर एक राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट का ऐलान कर दिया। हालांकि अमित दुबे ने जैसे बताया कि कितने ट्रस्ट और कितने ट्रस्टी होंगे, 15 ट्रस्टी होंगे जिसमें अध्यक्ष का नाम महंत नृत्यगोपाल दास का नाम चल रहा है सबसे आगे, इसके साथ साथ और भी कई नाम है जिसमें अशोक सिंघल के भतीजे जो पूर्व वीएसपी के अध्यक्ष रह चुके हैं उनके भतीजे होंगे, योगी आदित्यनाथ भी होंगे क्योंकि उसमें माना जा रहा है कि एक गोरखपीठ के जो महंत होंगे उनका भी उसमें सदस्य होंगे, यानी कि योगी आदित्यनाथ भी उस ट्रस्ट के सदस्य होंगे, राज्यपाल होंगे, लेकिन जिस जो खुशी लखनऊ से लेकर अयोध्या तक है वो देखने वाली को बन रही, क्योंकि जितने लोगों ने राम मंदिर के लिए मेहनत की थी, राम मंदिर निर्माण के लिए शुरुआत से संघर्ष किया था, उनके चेहरे गगन आपके पास आ रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। राम मंदिर निर्माण आज मोदी जी भी लखनऊ में, शायद जहाज आपके ऊपर से उड़ रहा, थोड़ा डिस्टर्बेंस भी लग रहा है, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले अमित दुबे के पास हम जा रहे हैं। अमित, टाइमिंग को लेकर एक तरफ जहां साधु संत खुशी का इजहार कर रहे हैं, जाहिर सी बात है एक बहुत लंबा इंतजार, लेकिन विपक्ष को कहीं ना कहीं बहाना चाहिए, टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं, चाहे वो ओवैसी हो या फिर कांग्रेस, तमाम लोग ये कह रहे हैं कि इस समय ऐलान करना सियासत का हिस्सा है।
सरकार की कमियां ढूंढता है, जैसा कि बीजेपी नेता लगातार कह रहे हैं। और दिल्ली के चुनाव की अगर बात करें तो अभी भी दिल्ली के चुनाव में 3 दिन शेष है, 8 तारीख को वोटिंग होनी है। बीजेपी नेता कह रहे हैं अगर इसका अनाउंसमेंट वो कल करते या 7 तारीख को करते तो होता कि बीजेपी एक प्रोपेगेंडा अपना सेट कर रही है, गेन लेना चाहती है। जिस तरह से खासतौर पर लोकसभा चुनाव के बाद खुद प्रधानमंत्री केदारनाथ गए थे, उसे लेके भी विपक्ष ने एक खासा विरोध जताया था कि किस तरह प्रधानमंत्री जो है वो मीडिया में हाईलाइट रहना चाहते हैं। और यहाँ भी उस तरह, चूंकि दिल्ली में 8 तारीख को वोटिंग होनी है तो यहाँ भी उसी तरह का माहौल है, लेकिन उससे पहले ही बीजेपी ने ट्रस्ट का अनाउंसमेंट कर दिया है। चूंकि सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस की बात की जाए तो 8 तारीख की शाम तक का वक्त है, यानी 9 तारीख से पहले ट्रस्ट का गठन होना था। ऐसे में इत्तेफाक की बात है कि दिल्ली चुनाव भी 8 फरवरी को ही है और उससे पहले केंद्र सरकार इस तरह की योजना लेके आती है जो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया जाता है। हालांकि कैबिनेट बैठक से इसका कुछ खास लेना देना नहीं था, लेकिन आज जिस तरह से सरकार ने अनाउंसमेंट किया, टाइमिंग को लेकर जरूर, जिस तरह से अनाउंसमेंट सरकार ने किया टाइमिंग को लेकर जरूर सवाल उठते हैं, लेकिन यहाँ पे बीजेपी सुप्रीम कोर्ट के समय का हवाला दे रही है, ना कि दिल्ली चुनाव का हवाला दे रही है। लेकिन सबसे बड़ी चीज, अभी भी 15 सदस्य कौन होंगे इसे लेके भी काफ़ी कुछ माथापच्ची होनी है। और हालांकि इस बीच वक्त है, जिस तरह की डिमांड जो है विश्व हिंदू परिषद कर रहा है कि नवरात्रि में इस तरह का शिलान्यास होना चाहिए, यानी अभी फरवरी का महीना चल रहा है और नवरात्रि जो है वो अप्रैल में स्टार्ट होती है, तो यानी अभी भी समय है, जबकि सरकार के पास कि 15 ट्रस्टी आखिर कौन होंगे, उन ट्रस्टियों को नोटिस किया जाए। और ऐसे में सरकार की ये भी मंशा होगी कि आखिरकार कोई नाराज ना हो, क्योंकि कई नाम जो है वो एक एक करके सामने निकल के आ रहे, कई लोग हैं जिन्होंने ना सिर्फ राम जन्मभूमि के लिए एक बड़े बड़े त्याग किए हैं, बल्कि लगातार राम जन्मभूमि के लिए उनके खुद उनके बच्चे और परिवार के लोग अभी भी संघर्ष कर रहे थे। तो जाहिर तौर पे ऐसे लोगों की भूमिका को भी सरकार को देखना होगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमित आपका इस जानकारी के लिए। गगन आपके पास नहीं आ पा रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। तो राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ, जिस ट्रस्ट को बनाने की बात सुप्रीम कोर्ट ने की थी उस ट्रस्ट का ऐलान हो गया है। अब इसके सदस्य कौन कौन होंगे, बस ये नामों का ऐलान होना बाकी है। हालांकि ये संकेत तब भी मिल गया था जब ये देखा गया कि इसके अध्यक्ष के तौर पर ये कहा गया कि नित्य गोपाल दास की सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाया गया और इशारा हो गया था कि ट्रस्ट को लेकर काम शुरू हो चुका है, बस ऐलान भर होना बाकी है। आज ऐलान हो गया, राम भक्तों में खुशी है। और राम भक्तों में ही क्यों, एक लंबा दौर पूरे देश ने देखा है, राम मंदिर को लेकर लड़ाई हुई, राम मंदिर को लेकर सियासत हुई, बहुत सारी चीजें अब वो खत्म हो जाएंगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए R9 TV, सिर्फ खबर के लिए।